F5 एक्ट कर रहा है 35 डिग्री पे और 30 mm के डिस्टेंस पे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? फोर्स डायग्राम। फोर्स डायग्राम के लिए हम स्केल ले सकते हैं। इसमें मैग्नीट्यूड दिया है 40 न्यूटन, तो मैं ले सकता हूँ 10 न्यूटन इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। अब स्टार्ट क्या करना है? सबसे पहले हमको देखना है कम्प्लीटली नोन फोर्स कौन से हैं। तो कम्प्लीटली नोन फोर्सेज है F1, जिसका हमको मैग्नीट्यूड पता है 40 न्यूटन, और F2 जिसका मैग्नीट्यूड है 50 न्यूटन। इनका लाइन ऑफ एक्शन और डायरेक्शन, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ डायरेक्शन दोनों का पता है हमको, तो हम इनको रिड्यूस करेंगे। तो इनको रिड्यूस करने के लिए स्केल को स्लाइड करा। बेसिकली अगर आपको ये स्लाइड करने में टिल्ट हो जाता है, प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आप है ना रिफ़र कर सकते हैं रोलर स्केल को। मार्केट में इजीली अवेलेबल है, आप इसको परचेज कर सकते हैं। तो रोलर स्केल में क्या है कि यहाँ पर रोलर होता है, और ये स्केल जब हम इसको मूव करते हैं तो पैरेलिटी मेंटेन रहती है, ये टिल्ट नहीं करता है। बेसिकली मैं तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि ये किस तरीके से सॉल्व है, क्या करना है, तो बाकी कंस्ट्रक्शन तो आप अपने से देख सकते हैं। तो F1 को अगर ट्रांसफ़र करें तो समथिंग 10 न्यूटन 1 सेंटीमीटर, तो 40 न्यूटन है तो 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हो गया, इसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, तो F1। फिर इसके बाद आता है मुझे रिड्यूस करना है F1 F2, क्योंकि कम्प्लीटली नोन है, तो इनको मैं रिजल्टेंट से रिड्यूस कर सकता हूँ, और रिजल्टेंट के लिए हमको फैशन मालूम है। तो ये रहा F2, इसको शिफ्ट करा इस तरीके से। अब F2 है 15, तो इसको 15 mm 1.5 सेंटीमीटर। अब इसका डायरेक्शन है इस तरीके से पॉइंटिंग डाउनवर्ड, तो इसको लिया नीचे, ये आपका F2 हो गया। अब इनका रिजल्टेंट ये होगा। अब रिजल्टेंट के डायरेक्शन के लिए, क्योंकि रिजल्टेंट में क्या फैशन है, हेड टू हेड, तो इसको हेड यहाँ पर हो जाएगा। इस रिजल्टेंट का नाम R' दे देते हैं। अब जैसे कि मैंने लास्ट प्रॉब्लम में करा था, जब F1 और F4 को मैंने रिड्यूस करा था, तो उनका जो रिजल्टेंट F' आया था, मुझे उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन नहीं मालूम था। जैसे कि यहाँ पर भी हो सकता था, यहाँ पर भी, पर मैंने पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पर लिया। तो ये पॉइंट किस तरीके से आया? जब मैं F1 और F4 जो नोन फोर्सेज हैं उनके लाइन ऑफ एक्शन को एक्सटेंड करता हूँ, तो उनका इंटरसेक्शन मुझे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रिजल्टेंट देता है। तो ये रिजल्टेंट है इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, इनका इंटरसेक्शन हो गया। तो सेम अगर कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर अप्लाई करूँ, क्योंकि लॉ ऑफ ट्रांसमिटिविटी की वजह से इसको मैं पीछे भी ले जा सकता हूँ, आगे भी। अगर मैं इसको बैक ले जाता हूँ तो यहाँ पर और ये यहाँ पर, तो ये F2 और F1 कहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे? ए पर। तो मुझे पता चल गया कि R' जो कि रिजल्टेंट फोर्स है उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है ए। तो ए से मैं इसको डायरेक्शन के लिए फोर्स डायग्राम से वापस कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम में ट्रांसफ़र करता हूँ। अब कितना फोर्स मेंबर सिस्टम बचा ये? रिजल्टेंट F3 F4 एंड F5। अब ये फोर फोर्स मेंबर सिस्टम है, स्टिल मुझे इसको रिड्यूस करना है 3 के लिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक और फोर्स को लेकर इस रिजल्टेंट के साथ कंबाइन करता हूँ, और रिजल्टेंट आएगा R" फिर मेरे पास 3 फोर्सेज हो जाएंगी, F5 F4 और R". उससे कि 3 फोर्स सिस्टम बन जाएगा, और फिर मैं आसानी से इसको सॉल्व कर सकता हूँ जैसे कि पिछले क्वेश्चन में किया था। तो अब इसमें मैं किस फोर्स को ले सकता हूँ? F3, मुझे इसका लाइन ऑफ एक्शन पता है, F4 का भी और F5 का भी, तो F3 इसके क्लोजेस्ट है, तो मैं F3 को ले सकता हूँ। आप F4 को F5 को भी आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर ए में हमारा इस F3 का लाइन ऑफ एक्शन पता है, तो हम इसको अगर एक्सटेंड कर दें तो इनके रिजल्टेंट का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हमको पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि
इनका हमें मैग्नीट्यूड तो अभी पता नहीं चल सकता। अगर मैं F3 और R डैश को कंबाइन करता हूँ, इनका रिजल्टेंट लेता हूँ, तो मुझे मैग्नीट्यूड तो नहीं पता चल सकता, क्योंकि मुझे इसका मैग्नीट्यूड नहीं पता है, सिर्फ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पता चल सकता है। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसको अगर मैं आगे एक्सटेंड कर देता हूँ, तो F3 आगे एक्सटेंड हुआ और ये R डैश आ गया, इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हमको मिल गया जी। अब हमारे पास कितना फोर्स हुआ, F3 और R डैश का जो रिजल्टेंट है उसको मैंने नेम दे दिया R डबल डैश। तो R डबल डैश हमारा R डैश और F3 का रिजल्टेंट है। अब R डैश का मैग्नीट्यूड नहीं पता, पर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पता है, और इन दोनों का मुझे लाइन ऑफ एक्शन पता है। अब मेरे पास कितने फोर्सेस बची, 1, 2, 3, थ्री फोर सिस्टम हो गया। अब अगर थ्री फोर सिस्टम हो गया, तो जैसे कि थ्री फोर सिस्टम में आता है, अगर इस पे थ्री फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, तो इनके लाइन ऑफ एक्शन को हम एक्सटेंड कर दें, तो ये इक्विलिब्रियम में अचीव हो जाते हैं। तो उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पता है, इनका लाइन ऑफ एक्शन पता है, तो जैसे कि इसमें मैंने लाइन ऑफ एक्शंस को एक्सटेंड किया, ऐसे ही मैं इसमें एक्सटेंड करता हूँ, तो ये एक्सटेंड होने पर कुछ इस तरीके से, और ये एक्सटेंड होने पर कुछ इस तरीके से, ये हमारा गिवन पॉइंट हो जाएगा। इसको मैं ओ डैश दे देता हूँ। अब दो फोर्सेस इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि इसमें ये दो इस पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसको स्टैटिक इक्विलिब्रियम बनाने के लिए ये तीसरी फोर्स इससे ही पास होना चाहिए। तो ऐसे ही F4 F5 यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तीसरा फोर्स कौन सा है, R डबल डैश। तो R डबल डैश का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पता है, तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए R डबल डैश से जो फोर्स होगा वो ऐसे पास होना चाहिए कि वो O से पास हो, तो इसको हम ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमको R डबल डैश का लाइन ऑफ एक्शन भी पता चल गया। अब इससे अभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, अभी हमको सिर्फ इनका लाइन ऑफ एक्शन पता चल गया है, पर जब अब इस लाइन ऑफ एक्शन से हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे फोर्स डायग्राम में, तो हमको मैग्नीट्यूड इजीली पता चल सकता है मेज़र करके। अब जैसे कि मैंने जो R डबल डैश रिजल्टेंट लिया था वो F3 और R डैश इसका रिजल्टेंट है, तो रिजल्टेंट जब लेते हैं तो रिजल्टेंट का फैशन फॉलो होता है, तो R डैश और F3 का रिजल्टेंट है, तो R डैश यहाँ पर है, तो F3 कुछ इस तरीके से होगा, इसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब ये मैंने F3 को ले लिया, अब इसका जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन और लाइन ऑफ एक्शन है R डबल डैश, जो कि इन दोनों का रिजल्टेंट होने वाला है, वो हमको नोन है। ये रहा कि R डबल डैश का लाइन ऑफ एक्शन नोन है, इसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, तो R डबल डैश पता चल गया। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ कि देखिए इसका मैग्नीट्यूड ऑफ फाइनाइट हो गया, इसको हम मेजर कर सकते हैं, ये F3, और फिर इसको स्केल से मल्टीप्लाई करके इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। अब डायरेक्शन की बात आती है, तो क्योंकि मैंने R डैश और F3 का रिजल्टेंट लिया है, तो मैं रिजल्टेंट का फैशन फॉलो करूँगा, तो अगर ये इस डायरेक्शन में है तो ये इस डायरेक्शन में होगा, और रिजल्टेंट है तो हेड मैच होगा। अब इसके बाद थ्री फोर सिस्टम बचा, R डबल डैश F4 F5, पर अब इनके बीच में इक्विलिब्रियम है, तो अब ये रिजल्टेंट वाला फैशन फॉलो ना करके इक्विलिब्रियम वाला फैशन फॉलो होगा। तो अब इसमें R डैश है और F4 है, तो R डैश और F4, ये F4 के लिए सेम लाइन ऑफ एक्शन हो जाएगा, और R5 के लिए इसको मैं न्यू ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। अब इनके डायरेक्शंस, अगर क्योंकि R डबल डैश F4 और F5 के बीच में इक्विलिब्रियम है, तो अगर इसका डायरेक्शन ये है तो इसका ये हो जाएगा और इसका ये हो जाएगा। अब हमसे पूछा था F3 4 एंड 5 का मैग्नीट्यूड, तो F3 को मैं मेज़र कर सकता हूँ, यहाँ से इसका लेंथ
तो लेंथ अबाउट 1 सेंटीमीटर, इसका स्केल है 10 न्यूटन, तो 10 से मल्टीप्लाई। F4 को इसी तरीके से 5.6 इंटू 10, 56 न्यूटन, और सिमिलरली F5 को भी कर सकते हैं। इस प्रॉब्लम में डायरेक्शन नहीं बोला है, अगर डायरेक्शन बोला होता तो आप बता सकते थे F as shown in the figure, we have given the direction, ये mention कर सकते हैं इसका direction इधर, इसका F4 का इधर है और F3 का इधर, यानी ये जो reaction forces थी वो कुछ इस तरीके से act कर रही थी F3 और F4 के लिए। अब जो book में इसको solve किया है, आप confused ना हो, उसके लिए उन्होंने क्या किया है, जैसे कि मैंने इन सबको एक ही force diagram में बना दिया है, उन्होंने पहले F1 और F2 को reduce करा है R dash में, R-dash, फिर उसके बाद इसको अलग सेपरेट बनाया है, मतलब ट्रांसफ़र करके, जैसे कि अगर मैं इसको इतना बना देता फिर मैं इसको ट्रांसफ़र कर सकता था, बाई स्केल मैं इसको ट्रांसफ़र कर लेता। फिर उसके बाद F3 इस तरीके से है, उसका लाइन ऑफ एक्शन मुझे मालूम है, इसको फोर्स किया यहाँ पर तो ये R" आ गया, ये F3 आ गया, फिर उसके बाद इनको ट्रांसफ़र किया तो ये कुछ इस तरीके से आ गया F4 और F5। तो बुक में दो फिगर्स में दिया हुआ है, मैंने इसको एक ही फिगर में कंबाइन कर दिया, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा आसानी हो जाती है विजुलाइज करने में। तो इस तरीके से यह R-, फिर F3, R"।